ओके सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। सो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो बस नॉर्मल इफ एल्स था, और आज हम जो देखने वाले हैं वो ये कुछ इस तरह से इफ एल्स के अंदर इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। मतलब लेट्स से मैं सिंपली एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जो कुछ इस तरह से, लेट्स से आपको सबसे पहले यूजर नेम देना है एंड यूजर नेम लेट्स से यूजर से लेना है। चलो अभी यूजर यहाँ पे क्या रहने वाला है, टेक्स्ट फील्ड के थ्रू लेना है, ना कि मुझे कंसोल के थ्रू इनपुट लेना नहीं है, मुझे एक टेक्स्ट फील्ड लेना पड़ेगा एक पासवर्ड के लिए। अगर यूजर नेम सही रहा तब वो पासवर्ड पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, पहले हमें मैच करना है। तो इस वैल्यूज हमारे डेटाबेस से नहीं आ रहे, नॉर्मल स्ट्रिंग ही रहने वाले हैं। तो चलिए इसे एक बार परफॉर्म करते हैं, फिर वही एचटीएमएल के थ्रू करके देखेंगे। हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, फॉर्म के थ्रू सबमिट करवाएंगे, फिर दूसरे पेज पे लेके जाएंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें आपको, चलिए देख लेते हैं। सो लेट्स से फिलहाल अभी हम लोग एक डॉलर बनाते हैं, डॉलर लेट्स से यूजर नेम इक्वल टू पास करते हैं सिंपली लेट्स से जावा ट्रिपल राइट एंड सेमी कॉलन। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं इफ यूजर नेम इक्वल टू मतलब हम पास कर रहे सिंपली एक वेरिएबल के वैल्यू को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखने वाले हैं, जावा ट्री पॉइंट अगर मैच होगा तो हम लोग बोलने वाले हैं उसको यस यूजर नेम इज राइट, नाउ यू मे गो फॉर पासवर्ड और समथिंग एल्स राइट। सो वट वी हैव टू डू सिंपली ओवर हियर, we need to write some output that will be echo and double quotes के अंदर pass करते हैं semicolon, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं simply user name matched right and that's all and now password। पासवर्ड के लिए अभी मुझे यहाँ टेक्स्ट फील्ड ले सकता था, लेकिन अभी टेक्स्ट फील्ड नहीं ले रहा, मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे बनाने वाला हूँ डॉलर पास इक्वल टू लेट्स से पासवर्ड भी हम लोग स्ट्रिंग में ही लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग में ही रखते हैं, या फिर आप इसे चाहो तो नंबर भी रख सकते हो। लेट्स टेक अ नंबर सिंपली 1 2 3 4 5 6 ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू अगेन, इफ पास इक्वल टू और हम लोग यहाँ पे लेने वाले 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ यू हैव टू मेंशन दैट पासवर्ड मैच्ड, यू आर लॉग्ड इन सिंपली देना है मुझे। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको देना है इको और यहाँ पे पास करना है यू आर लॉग्ड इन राइट, जैसे सेमीकोलन। एंड यहाँ पे एल्स पार्ट में अगर नहीं मैच हुआ तो हम लोग देने वाले हैं पासवर्ड इज रॉन्ग, इको पासवर्ड इज रॉन्ग और यहाँ पे इसे डबल कोट्स में कर देते हैं दैट्स ऑल। एंड एल्स जो हमारा बाहर वाला है तो हम बोलेंगे यूजर नॉट फाउंड, इको लेट्स से डबल कोट यूजर नॉट फाउंड इन आवर डेटाबेस राइट समथिंग लाइक दिस एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। ओके, अब इसमें है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल वेरिएबल्स है, क्लियर है, आई होप समझ रहे होगे। नहीं समझ रहे एक बार बता देता हूँ, सिंपली यू इफ के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल्स को कंपेयर किया है, अगर कंपेयर हुआ ट्रू हुआ उसका वैल्यू 1 आया है तो यहाँ पे आएगा, ये प्रिंट करेगा और एक और वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम होगा पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर वैल्यू रन टाइम में आना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग रन टाइम का काम नहीं कर रहे, इजी प्रोग्राम बना रहे, इसलिए वैल्यू यहीं पर पास कर दिया। दोनों को कंपेयर किया गया, पास एंड 1 2 3 5 अगर सेम रहा तो यहाँ पे आएगा यू आर लॉग्ड इन, अगर सेम नहीं रहा तो यहाँ पे देगा पासवर्ड इज रॉन्ग एंड अगर यूजर नेम ही नहीं मैच हुआ तो यहाँ पे आएगा यूजर नॉट फाउंड। तो यूजर नेम मैच कब नहीं होगा, जब मैं इसका वैल्यू को चेंज कर दूंगा। फिलहाल इसे एज इट इज रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं लेट्स से बैक। हाँ एंड अब यहाँ पे एंटर करते हैं, ये प्रीवियस आउटपुट है, यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट यूजर नेम ओके। अब मैंने कहीं पे यहाँ पे ये सिली मिस्टेक, आपको ध्यान देना है कि आपको डॉलर पास करना है वेरिएबल के साथ, क्योंकि ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये PHP है, आई वॉज जस्ट वर्किंग लाइक जावा and now enter okay username matched and you are logged in right and अब let's say हम इसका change करते हैं एक value, save किया and जाके वापस enter किया, run किया, user not found in our database right, कुछ इस तरह से control Z, username सही रहने देते हैं। अब हम change करते हैं password, एक value निकाल देते हैं यहाँ से, कहीं से भी निकालो बात तो एक ही हुआ, एंड अब enter करते हैं username matched password is wrong right, so you are not logged in। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑब्वियसली आपको पता है आंसर जो पहला वाला आया था वही होने वाला है। तो किस तरह, कुछ इस तरह का है प्रोग्राम। ठीक है,
इट्स प्रीटी सिंपल, कुछ भी नहीं है, लेकिन इफ एक इफ के अंदर दूसरा इफ कैसे चेक किया जाता है, कुछ इस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। एंड क्या होगा जब मुझे यहीं पे एचटीएमएल भी यूज करना है, मुझे पूरा टेक्स्ट फील्ड लेना है, फॉर्म लेना है, ऑल दैट लेना है, तो तब क्या करने वाले हो आप? तो सबसे पहली चीज़ आपको फिर एक फॉर्म बनाना होगा यूजर नेम पासवर्ड के, यूजर नेम के लिए। लेट्स से आप यहाँ पे बना सकते हो, सिंपली इको करके बना सकते हो, या फिर आप पूरा एचटीएमएल का यहाँ पे टैग लेके फिर वो सारी चीज़ें कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि कैसे करना है। ये चीज़ हम नेटबीन्स में करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बने बनाए मिल जाएंगी इसलिए। तो आई होप इतना सारी चीज़ें क्लियर है, राइट? तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, राइट? सो अब आपको सारा प्रोग्राम नोट पैड या फिर सप्लाई या जिसमें करना है करो, बट मैं जा रहा हूँ नेटबीन्स के साथ। नेटबीन्स मुझे, अगर नेटबीन्स यूज करना है तो आपको एक प्लगइन लेना पड़ता है, लाइक इसके अंदर अगर आपको पीएचपी यूज करना है तो इसके साथ एक प्लगइन्स ऐड करना पड़ता है। सिर्फ आपको सर्च करना है उस प्लगइन का नाम, जो कुछ भी रहेगा पीएचपी रहेगा ऑब्वियसली, जो कुछ भी कैसे रहेगा। लेट्स से यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएचपी, एंड तो आपको यहाँ पे देखो पीएचपी आ गया है, मेरा चेक्ड है, मतलब मैंने ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आप भी ऐड कर सकते हो कंपोजर, मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हमारे पीएचपी की ही है, तो इसलिए मैंने तीनों को ऐड कर लिया था। कंपोजर हमें काम आएगा लारावेल के साथ जब हम लोग काम करेंगे, तब पीएचपी हमें काम आने वाला है, ऑब्वियसली बेस पीएचपी यही है। तो आपको ये सिलेक्ट नहीं रहेगा, आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, क्लोज कर देना है। जब इसे इंस्टॉल कर लोगे तब आपको आएगा सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ से जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, लेट्स से अभी यहाँ पे जैसे पीएचपी आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे पीएचपी, ठीक है। जब पीएचपी आ जाएगा तो आप इसमें से कोई पीएचपी एप्लीकेशन विथ एग्जिस्टिंग सोर्स, पीएचपी एप्लीकेशन फ्रॉम रिमोट सर्वर, ऐसे कोई भी उठा सकते हो जो भी आपको डिपेंड करता है। लेट्स से मैं पीएचपी एप्लीकेशन करता हूँ, नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे पूछनेगा कि कंपाइलर कौन सा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ पास करना है ब्राउज करके आपके सी के अंदर जो जैम्प हमारा फोल्डर रहता है उसका पाथ देना है। देखिए हमने लिया है अभी, जैसे ये सोर्स फोल्डर एक्चुअली वर्जन कंपाइलर हमारा वो नहीं है, यहाँ से पीएचपी वर्जन हो जाएगा, एंड ये तो UTF-8 है, सी यूजर नेटबीन्स पीएचपी प्रोजेक्ट, ओके। तो ये हमारा सिर्फ फोल्डर का नाम रहने वाला है, तो हमें फोल्डर का नाम वही देना है htdocs का ही, देखो बाय डिफॉल्ट htdocs का ही सेट किया गया है, तो ये आपको देना है। तो यहाँ पे मैं जो भी चाहे ले सकता हूँ, मैं ले लिया, चलो लेट्स से sample php करके, ठीक है। सो अगर आपको नेटबीन्स भी नहीं पता तो मैं बता दूँ कि नेटबीन्स एक आईडी है, आईडी आपको पता होता है क्या होता है, आपने सुना होगा विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स, इक्लिप्स, दुनिया भर के आईडी सुना होगा, उसमें से एक ये भी है नेटबीन्स, जो जनरली जावा के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो, प्लगइन्स ऐड कर करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सो सैम्पल पीएचपी सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे पूछेगा कि स्पेसिफाई द वे दिस प्रोजेक्ट विल बी डिप्लॉयड, कॉन्फिगर सेटिंग एंड ऑल दैट। सो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सेट है वही सेट कर देना है, लोकल वेबसाइट रनिंग, लोकल वेब सर्वर, क्योंकि हम लोकल मशीन पे रन करें तो लोकल ही पास करना है। एंड जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है वो क्या है, एचटीटीपी लोकल होस्ट, एंड दैट्स ऑल, कॉपी फाइल्स फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपको कोई फ्रेमवर्क यूज करना है, डिपेंड्स ऑन, लेट्स से सिंपली है और क्या जेन 2 है, जेन है, डॉक्ट्रिन है, सिंपली 2, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो अगर आपको चेंज करना, अगर यूज करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, तो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा, नहीं यूज करना है तो इसे एज इट इज छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको पूछता है कंपोजर, ऑब्वियसली आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, बस फिनिश करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई इशू आएगा तो आप थोड़ा सा नेट पर रिसर्च करो तो आपको सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक मिनट लगता है खाली सब सेटअप करने के लिए, और आपका प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाता है। जैसे मैंने फिनिश किया तो अब मुझे मिलेगा एक प्रोजेक्ट बना बनाया, जिसका नाम होने वाला है और क्या नाम होने वाला है, सैम्पल पीएचपी, क्या मैंने ऑलरेडी बनाया था क्या, लुक्स लाइक सैम्पल पीएचपी ऑलरेडी था क्या, शायद इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए मिल रहे हैं। मैंने रीनेम तो नहीं किया था, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पूरा सोर्स फाइल ले लिया है उसने प्रोजेक्ट का, सो इसे एक बार फिर से डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा वहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे चेक नहीं करना है आपको। सो htdocs का पूरा का देखो, यहाँ पाथ ले लिया था उसने, तो हमें पाथ नहीं लेना था, हमें सिर्फ लेना है फाइल न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बनाना है तो पीएचपी एप्लीकेशन, उसके अंदर जो भी नाम देना है, ओके प्रोजेक्ट 2 जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है उस तरह से। htdocs के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, मैंने पूरा htdocs ले लिया था, राइट। सो इसको एज इट इज रहने देते हैं पीएचपी, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो नो डाउट, एंड
just next it, next and finish. Now we have ये रहा PHP 2 project ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर by default एक file बनी बनाई मिल जाएगी जिसका extension है .php। अब इसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो, PHP भी लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख सकते हो, इस तरह से कुछ मिल जाएगा। और इसके अंदर अभी आपको option suggestions भी आएगा, इसलिए मैंने ये यूज किया है, राइट। सो जैसे ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सारे के सारे सजेशंस आ जाएंगे, जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ जो कुछ PHP के अंदर वो सारे सजेशंस आने लगेंगे। तो समटाइम्स आप भूलते हो तो आपको ये काम आता है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जनरली यूज नेटबीन्स, ओके। एंड इवन इसका एक और बेनिफिट है, मतलब जो सब लाइन्स हैं और बाकी सारी चीज़ों में नहीं होता, कि अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, लेट्स से सिंपली इको में लिख रहा हूँ, अगर मैं इको पे कंट्रोल, इको नहीं, जैसे कोई कीवर्ड हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई क्लास हो गया, लेट्स से प्रिंट ओके, अब ये फंक्शन है हमारा एक, राइट। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उस फंक्शन पे लेके जाएगा डायरेक्टली जहाँ पे फंक्शन बनाया गया है। देखिए विथ पैरामीटर, मतलब जो एक्चुअल सिस्टम PHP के सिस्टम में जो बनाई गई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा देती है, इसलिए मुझे नेटबीन्स ज़्यादा पसंद आती है। मे बी और भी चीज़ों में हो, बट मुझे तो यही यूज करता हूँ इसलिए, ओके। सो दैट्स ऑल, ये सभी बकवास मैंने कर ली है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप आई होप प्लगइन्स के साथ रेडी रहोगे और ये सारी चीज़ें करके रेडी रहोगे, तब हम करेंगे तो और मज़ा आएगा, ओके। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।